पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। उसके अलावा 4 जगह पर वेरी हैवी और 29 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुआ है। सबसे अधिक वर्षा जो है मीरगंज की उड़ाला में 141.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मैक्सिमम डेट एंट्री बात करें तो गोपालपुर में सबसे ज़्यादा 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर का 29.2 और कटक का भी 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव रेनफॉल की तो 1 जून से लेकर आज यानी 16 सितंबर तक अभी तक 976.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि डिपार्चर अभी भी सामान्य से 8% नीचे चल रहा है। 10 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिस्टम की बात करें तो जो अभी जो एट प्रेजेंट जो डीप डिप्रेशन है वो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और यानी झारखंड के ऊपर बना हुआ है, जहाँ लैटिट्यूड 23.1 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 86.7 डिग्री ईस्ट के ऊपर बना है। यह जगह 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट है पुरुलिया से, 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट है बंकुरा से और 60 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है जमशेदपुर से और 140 किलोमीटर दूर है रांची से ईस्ट ऑफ रांची। तो ये सिस्टम जो है धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और मूव करेगा अक्रॉस गंगेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड के ऊपर और अगले 12 घंटे में यह एक डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देर आफ्टर यह जो सिस्टम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं झारखंड और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में अगले सब्सिक्वेंट 24 आवर में मूव करेगा। दूसरा सिस्टम है मानसून ट्रफ, जो कि अमृतसर, रोहतक, शाहजहाँपुर, लखनऊ, डाल्टनगंज, फिर ये जो डिप्रेशन डीप डिप्रेशन के सेंटर से होता हुआ साउथ ईस्ट और होता हुआ नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल तक जाएगा। इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज उड़ीसा में हमारा जो इंटीरियर उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और हमारे साउथ कोस्ट उड़ीसा में स्कैटर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 17 तारीख को होल उड़ीसा में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है, 18 तारीख को साउथ उड़ीसा में स्कैटर और नॉर्थ उड़ीसा में आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है रेनफॉल का। इसे 19 तारीख को जो हमारा साउथ उड़ीसा वहाँ फेयरली वर्षा यानी अनेक स्थानों पर मध्य वर्षा होने की संभावना है और नॉर्थ उड़ीसा में आइसोलेटेड रहने की संभावना है। 20 तारीख को साउथ उड़ीसा में फेयरली वर्षा और नॉर्थ उड़ीसा में स्कैटर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे वन में सुंदरगढ़, क्योंझर ये दो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग दी गई है, यानी कि यहाँ हैवी रेनफॉल से वेरी हैवी रेनफॉल 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होने की संभावना है। उसके अलावा मयूरभंज, देवगढ़, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगड़ा, बारगढ़ ये जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा सीधे डे फोर यानी 19 तारीख को जो साउथ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की संभावना जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है, उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है गंजम, गजपति, कंधमाल, कलांडी, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी। 20 तारीख को डे 5 में बोलांगी, नुआपाड़ा, कलांडी, नवरंगपुर इन दो डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है।